हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 21 वर्षों के बाद होने वाली स्पेशल एजुकेटर के 245 पदों की भर्ती से पहले स्पेशल एजुकेटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट परीक्षा के लिए सिलेबस तैयार कर लिया गया है। बोर्ड की ओर से सिलेबस को स्पेशल एजुकेटर रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिया के तहत तैयार किया गया है। अब शिक्षा बोर्ड की ओर से सिलेबस को अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से सहमति मिलते ही प्रदेश भर में स्पेशल एजुकेटर टेट परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आगामी समय में अन्य 8 विषयों की टेट परीक्षा की तर्ज पर वर्ष में 2 बार जुलाई व नवंबर महीने में मौके प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए दिव्यांग उम्मीदवारों को डीएलएड व बीएड स्पेशल एजुकेटर उम्मीदवारों को मौका मिल पाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से 21 वर्षों के बाद स्पेशल एजुकेटर के राज्य में 245 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। हालांकि पदों को भरने से पहले स्पेशल एजुकेटर उम्मीदवारों को टेट परीक्षा पास करनी होगी, जिसके आधार पर ही अध्यापक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों को ही आगामी प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल पाएगा। स्पेशल एजुकेटर का टेट का एग्जाम करवाने की इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से आई है, तो क्योंकि एक नई कैटेगरी है तो पहले इसका सिलेबस डिफाइंड नहीं था, तो सिलेबस हमने इसका बना लिया है और सिलेबस को हम अभी सरकार के अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। जैसे ही सरकार से अप्रूवल आएगा तो फिर हम एक डेट नोटिफाई करके ये एग्ज़ाम करवा देंगे। तो ये जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, ये जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, जिनको हम दिव्यांग बच्चे भी कहते हैं, उनके लिए होते हैं। और इसमें 2 तरीके के टीचर्स हैं जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन DLED स्पेशल एजुकेटर और BEd स्पेशल एजुकेटर, तो उसी हिसाब से हमने सिलेबस भी इसका तैयार करवाया है।